संसद में हुआ जोरदार हंगामा, राज्यसभा में फिर उठी जेपीसी की मांग, सांसदों से सभापति ने क्या कहा? भारतीय संसद इस समय राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। बजट सत्र जब से शुरू हुआ है तब से संसद में हंगामे का दौर जारी है। रोजाना सदन की कार्यवाही को भारी हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन हंगामे के साथ। सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया, सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। श्री राव इंद्रजीत सिंह, सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन 27th of March 2023 कंसिडर्ड एंड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस मेड बाय द राज्यसभा In clause 174 of the Finance Bill 2023, at its sitting held on 27th March 2023. पूरी कार्यवाही के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला। राज्यसभा में मंत्री अपना बयान देते रहे और विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने मजाकिया अंदाज में हंगामा शांत कराने की कोशिश की और कहा कि कुछ भी मुमकिन है, आप मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। Notices under rule 267, take your seat. कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है, आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता जाने और अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।